हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का यूज करने टाइम रॉन्ग पिन एंटर कर दिया है और उसके कारण आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो ज़रूर से आप परेशान होंगे और इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अपने रॉन्ग पिन से ब्लॉक हुए बीओबी एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को अनब्लॉक करवा के तुरंत ही आप यूज करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को जानने से पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रूल जानना जरूरी है, और वो रूल ये है कि आप इस प्रोसेस को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हुआ है उससे 24 घंटा हो जाए। यानी कि हम जो भी प्रोसेस बताने जा रहे हैं, उस प्रोसेस को प्लीज़ आप अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक होने के 24 घंटे के बाद ट्राई करें, तभी वो आपका प्रोसेस काम करेगा। दोस्तों, रॉन्ग पिन से ब्लॉक हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करवाने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी अकाउंट नंबर है वो, और साथ ही ब्लॉक हुआ आपका एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी एटीएम में चले जाएँ, क्योंकि आगे का प्रोसेस आपको वहीं पर करना पड़ेगा और वहीं पर आपका एटीएम कार्ड अनब्लॉक हो पाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड को वहाँ के एटीएम मशीन में स्वाइप कर लें, और लैंग्वेज वाला स्क्रीन आने पे आपका अपना पसंदीदा जो भी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करें। अगले स्क्रीन में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, इनमें से आप सेट रीजनरेट पिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही अगले स्क्रीन में आपको आपका 14 डिजिट अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पूरा का पूरा एंटर कर दें और इसी स्क्रीन के करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसी के साथ आपको दोबारा से आपका अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो अपना अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पे पूरा का पूरा एंटर करें और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब की बार आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको एंटर करें और प्रेस इफ करेक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसी के साथ एटीएम मशीन में प्लीज़ एंटर वन टाइम पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, और इतना प्रोसेस करते ही आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चेक करेंगे तो बीओबी की तरफ से आपको एक एसएमएस आएगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 4 डिजिट का एक ओटीपी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यही ओटीपी अभी आपको एटीएम मशीन में एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको जब ये मैसेज आ जाए तो उसमें लिखे हुए ओटीपी को आप एटीएम मशीन में एंटर कर दें और इसी स्क्रीन के प्रेस इफ करेक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगले स्टेप में प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से आप अपने उस ब्लॉक हुए एटीएम कार्ड के लिए एक न्यू पिन सेट कर सकते हैं, और उसी की सहायता से आप अपने ब्लॉक्ड हुए एटीएम कार्ड को अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो एक 4 डिजिट का कोई भी न्यू पिन आप सोच लें जो कि आगे के दिनों में आपको याद रह सके और इस तरह का घटना दोबारा आपके साथ ना हो, और उस 4 डिजिट के न्यू पिन को यहाँ पर आप एंटर करें। आपके न्यू पिन को एंटर करते ही दोबारा से आपको आपका न्यू पिन री एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो उसी पिन को दोबारा से यहाँ पे आप एंटर कर दें, और दो बार जैसे ही आप अपने न्यू पिन को एंटर करेंगे तो एटीएम स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा पिन चेंज सक्सेसफुली। जैसे ही एटीएम स्क्रीन में यह लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ लेना कि आपका वह बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्लॉक हुआ एटीएम कार्ड अब अनब्लॉक हो गया है, और अभी अभी आपने जो न्यू पिन बनाया है उसकी सहायता से अब आप उस एटीएम कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।